like a bell cut. हेलो गाइस, दिस इज सूरज सिंह, आपका भाई, आपका दोस्त, आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आया है और आज मेरे साथ भाई रुनाल है। तो आज की वीडियो में बेसिकली ये बताना है कि जिसका फर्स्ट डे होता है जिम में उसको क्या क्या वर्कआउट करना चाहिए और क्या मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। तो आज का वर्कआउट रुनाल के साथ है भाई, देखते हैं कैसा करता है। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने पहले की वीडियोज में बोला हुआ है, 5 से 7 मिनट का बॉडी वार्म अप करना बहुत जरूरी है ताकि बॉडी रेडी हो सके वर्कआउट के लिए और इंजरीज के चांसेस कम रहते हैं उसके लिए। तो पहले 5-7 मिनट का वार्म अप करें। करने के बाद 6 बॉडी पार्ट जो भी है उसको 2 दिन में कवर करेंगे। लाइक आज जो है हम चेस्ट, बैक और बाइसेप्स का पार्ट कवर करेंगे, 2 वेरिएशन इन तीनों पार्ट्स के लिए करेंगे और नेक्स्ट डे हम करेंगे ट्राइसेप्स, शोल्डर और लेग। तो आज बैक से स्टार्ट करते हैं, हम बैक लेग पुल डाउन से स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी गाइस फॉर्म में ध्यान दे देना है भाई, चेस्ट अप रखना है जिससे आपका जो लेग्स है वो एक्टिव हो जाएगा, वर्कआउट के लिए रेडी रहेगा और ऊपर स्लो जा रहे हैं। 1, 2, 3 एक्टिव। हर रैप में अपने लेग्स को एक्टिव करना है, टाइट रखना है, 10 से 12 रैप्स बस। दूसरा वेरिएशन बैकिंग वर्कआउट का विंडोइंग है और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी फर्स्ट स्टार्टिंग करता है ना तो फर्स्ट वीक के लिए मिक्स वर्कआउट होता है और जितना वर्कआउट होता है मशीन पे ही करें, डंबल और बाबल को 1 हफ्ते के लिए इग्नोर करें क्योंकि मशीन पे थोड़ा सा बैलेंस करना ईजी होता है तो आपकी बॉडी है रेडी हो जाएगी, 1 हफ्ते के बाद आप थोड़ा चेंजेस कर सकते हो। सेकेंड वर्कआउट विंडो है बैक का, कट सेम चेस्ट अप और अपने लेग्स को टाइट रखना है एक्टिव बनने के लिए, आगे स्लो गुड। 2, 3 वेरी गुड। 4 इसके भी 10 से 12 रैप्स 2 सेट करेंगे। सेकेंड आप बैक का 2 वेरिएशन करने के बाद चेस्ट की वर्कआउट करते हैं। चेस्ट में भी हम मशीन से स्टार्ट करेंगे फ्लैट बेंच और उसके बाद इंक्लाइन बेंच का नंबर आता है, 2 सेट करेंगे इंक्लाइन बेंच। और मशीन में यार ऐसे भी है जो विदाउट वेट है ना, ये भी ऑलमोस्ट 5-5 kg से कम का नहीं है तो पहला सेट विदाउट वेट ही करेंगे। 1 जो लाइन है चेस्ट के ऊपर आना चाहिए, इस चीज का बहुत ध्यान रखें और जो एल्बो है वो शोल्डर से ऊपर नहीं जाएगा, हल्का सा नैरो रहना चाहिए। चलो नीचे स्लो गुड। 1, 2 चेस्ट से प्रेस करो। 3 फ्लैट बेंच के बाद अब दूसरा आता है इंक्लाइन बेंच प्रेस, ये भी मशीन से ही है, विदाउट वेट ही करेंगे पहला सेट। दूसरा 2.5 देखते हैं 10-12 रैप कैसे आता है। इस पे ना यार लोगों को बहुत कंप्लेंट आती है कि शोल्डर पे आ रहा है वेट, शोल्डर पे पेन हो रहा है, तो वो सारा गेम यार एल्बो का है। अगर आप एल्बो ऊपर करोगे तो शोल्डर उठेगा तो आपका शोल्डर पे ही आएगा, मेन ध्यान दो यार टेक्निक क्या होनी चाहिए। चलो इसका एल्बो देखो नैरो है, हल्का सा नीचे है और प्रॉपर चेस्ट से प्रेस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ यार जो आपका बैक है ना, बैक और बेंच के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, लाइक इस तरीके से लोग करते हैं ना वो नहीं करना है, बैक बिल्कुल टच रहना चाहिए बेंच के साथ। चलो स्लो मूवमेंट होना है यार, कोई फास्ट की जरूरत नहीं है, स्लो करना है 10 से 12 रैप के अंदर। हमने चेस्ट का पार्ट कवर किया, बैक का पार्ट कवर किया, अब आता है बाइसेप्स के। जो डे 1 में मैंने बताया था बाइसेप्स के भी वैसे एक वेरिएशन ही बहुत है, अगर इसके 3 सेट करोगे ना तो दूसरा वेरिएशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट डे यार ज़्यादा लिफ्टिंग नहीं करनी वेट को और प्रॉपर ध्यान से करना है। चलो चेस्ट का
एल्बो पीछे रहेगा और आर्म तो वाला पार्ट फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं करना है। शोल्डर डाउन, कम ऑन, पूरा नीचे स्ट्रेचर, गुड, ग्रेट, इसके तीन सेट करने हैं 10 से 12 रैप। बाइसेप्स का पार्ट कवर होगा। डे वन के लिए इतनी वर्कआउट बहुत है। सेकेंड डे का वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। मैंने तो आज ही बनाया है दोनों, लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ, तीन जो वेरिएशन थे वो फर्स्ट डे करना था। अब जो स्टार्ट करना है ट्राइसेप, शोल्डर और लेग्स का पार्ट सेकेंड डे कवर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है वर्कआउट या मसल सोरनेस बहुत ज़्यादा होगी। लोगों को कंप्लेंट होती है ना कि फर्स्ट डे जाते हैं फिर उसके बाद 3 दिन के लिए वो आते ही नहीं है जिम, तो यही रीज़न होता है कि फर्स्ट डे जाके बहुत ज़्यादा वो लोग वर्कआउट करते हैं, तो वो गलती नहीं करनी है। चलो सेकेंड डे हम स्टार्ट करेंगे ट्राइसेप्स का फुली पुश डाउन से, चलो रोप पुश डाउन से, सॉरी सेम चीज़ है, चेस्ट अप रखना है, पार्ट फिक्स रखना है आर्म्स वाला, और नीचे 1 सेकेंड का होल्ड ताकि प्रॉपर प्रेशर आ सके, टेंशन क्रिएट हो सके ट्राइसेप्स का। वन सेम 10 to 12 रेप्स के 3 सेट करेंगे, ट्राइसेप्स का पार्ट कवर बहुत है। अभी सेकेंड वेरिएशन स्टार्ट करते हैं शोल्डर का, ट्राइसेप्स के बाद शोल्डर का करते हैं, और इस पर भी मशीन से ही करेंगे। शोल्डर ओवरहेड प्रेस जो होता है मशीन है यार, ये विदाउट वेट भी ना कम से कम 5-7 किलो से कम का नहीं है, तो हैवी हम लोग विदाउट वेट ही करेंगे। चलो चेस्ट अप शॉट, वन टू, ज़्यादा वाइड नहीं करना है, हल्का सा नैरो ही रखना है आर्म्स को, एल्बो को, 10 से 12 रैप, 3 सेट बहुत है। शोल्डर का वर्कआउट करने के बाद अब बारी आती है लेग्स की। लेग्स का 2 वेरिएशन करेंगे, स्टार्टिंग हम बॉडी वेट स्क्वाट या सिट अप्स बोलते हैं उससे स्टार्ट करेंगे, 2 सेट करेंगे 15-15 रैप्स के, लेकिन स्लो। चलो वन, एक चीज़ का ध्यान रखना है यार, जो नीज है ना उसको उसे आगे नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर रहना चाहिए। इसके भी 2 सेट 15 है। वर्कआउट है लेग्स के लिए या लेग एक्सटेंशन है, इसके भी 2 सेट है, 15-15 रैप्स के 2 सेट बहुत होगा डे सेकेंड के लिए, लेग्स के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलो स्टार्ट, गुड वर्कआउट यार, जो भी करो ना भाई स्लो करो यार, फास्ट वर्कआउट से मसल्स को पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या वर्कआउट करा है, स्लो करोगे तो उस पर्टिकुलर पार्ट में पता चलता है। गुड, ये था स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्टार्टिंग में वर्कआउट करना चाहते हैं जिम जाकर, और कर बैठते हैं बहुत बड़ी गलती, जाके ईगो लिफ्टिंग करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि वो वेट उठा रहे हैं तो मैं भी उठाऊंगा, तो ये गलती नहीं करनी है, जाके लाइट वेट से ही करना है, हो सके तो बॉडी वेट से ही स्टार्ट करो वर्कआउट। तो मैंने आपको दिखाया डे वन और सेकेंड डे में आप लोगों को क्या क्या वर्कआउट करना है, एक ही दिन में सारे बॉडी पार्ट्स मत करो यार, क्योंकि सेकेंड डे भी बहुत पेन होता है और लोग आना बंद कर देते हैं जिम, और कंप्लेन करते हैं कि जिम जाने से ये प्रॉब्लम होती है। सीवन भाई बोलो बोलो। अरे बस सूरज भाई, लेकिन एक आदमी लोग रहते हैं जो वर्कआउट करते हैं तो घर में जाके पानी तो ज़्यादा नहीं पीते हैं, पानी ज़्यादा पीना है, ये तो मेन इम्पॉर्टेंट है यार, वाटर इनटेक का ध्यान रखना। वर्कआउट आपने स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली बात है भाई पसीना बहुत निकलता है, तो डिहाइड्रेशन ना हो तो वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है, और मील पे ज़्यादा फोकस करना है, डाइट पे ज़्यादा ध्यान रखना है, और ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है गाइस। डे वन में ही कोई आर्नोल्ड नहीं बनता, टाइम लगता है, आर्नोल्ड ने भी 0 से ही स्टार्ट किया था, तो वो गलती नहीं करनी है, धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप ही आगे बढ़ना है। तो भाई ये हमारा भाई रुनाल है, बहुत अच्छी वर्कआउट करेगा ये, मुझे पता है, इसको चेंज करना भाई हम लोगों की गारंटी है, क्यों भाई रुनाल नहीं हुआ तो कैसे। तो भाई लास्ट में मैं यही बोलूँगा जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ भाई, बिना लाइक करे मत जाना यार, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में, और सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि स्टार्टिंग में बिगनर्स लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि क्या वर्कआउट करना है क्या वर्कआउट नहीं करना है। तो आई होप इस वीडियो को देखकर आप लोग की कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी और आप लोग ढंग से प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करोगे। तो गाइस यार लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब करें, बिना जाना मत यार, बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।